क्या किसी ने खूब कहा है, हंस के बातें कर लो जमाने से, क्योंकि उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। हेलो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ एक प्रेमदायक कहानी। यह कहानी है दो पत्थरों की, तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक नदी बहुत ऊंचाई से बहती हुई जब निचले तल पर पहुँचती है, तो उसके दोनों किनारों पर ढेर सारे गोलेकार, अंडेकार और शंख पत्थर पड़े हुए होते हैं, जिनमें से दो पत्थर ऐसे रहते हैं जिनमें मित्रता हो जाती है। जिनमें से एक गोल अंडाकार बहुत ही आकर्षक और चिकना दिख रहा था, और जो दूसरा पत्थर था काफ़ी खुरदुरा था और देखने में भी उसका रूप काफ़ी बेकार था और अनिश्चित आकार का उसका कोई आकार नहीं था। जब दोनों में विचार आदान प्रदान होने लगे, तो एक दिन खुरदुरे पत्थर ने चिकने पत्थर से कहा, हे मित्र, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्या मैं वह बातें तुमसे कह सकता हूँ? तो उस चिकने पत्थर ने कहा, बिल्कुल मेरे मित्र, जो कहना है कहो। तब उस खुरदुरे पत्थर ने कहा, मैं और तुम दोनों उसी चोटी से बहकर आए हुए हैं, उसके बावजूद तुम इतने गोल मटोल, आकर्षक और चिकने हो, जबकि मैं नहीं, ऐसा क्यों? तब चिकने पत्थर ने जो खुरदुरे पत्थर से कहा, यकीन मानिए, जैसे उसने कहा ऐसा लगा कि जैसे उसने जिंदगी का सार समझा दिया हो। उस चिकने पत्थर ने खुरदुरे पत्थर से कहा, शुरुआत में मैं भी तुम्हारे ही जैसा था, बिल्कुल खुरदुरा, कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैंने निरंतर, मैंने कई प्रयास किए, अपने जिंदगी में लगातार मेहनत किया, कई वर्ष तक मैंने बहाव में झेला है, तूफान आदि बाढ़ सारी चीजों को झेलते हुए, यहाँ तक कि नदी के बहाव ने भी कई बार काटा है, तब जाके घिसता करता हुआ आज मैं चिकना हुआ हूँ और तब जाके यह रूप मुझे प्राप्त हुआ है। तुम अपने इस रूप से परेशान मत हो, निराश मत हो, जिंदगी में संघर्ष करो, क्योंकि आपने यह संघर्ष नहीं किया तो आप ऐसे ही रह जाओगे। मुझे भी लगा था, चाहता तो मैं भी संघर्ष नहीं करता, आराम से किसी किनारे पर पड़ा रहता, लेकिन इसके बावजूद मैंने संघर्ष करना उचित समझा, क्योंकि उस तरह आराम से पड़े रहने से बेहतर है। कुछ मेहनत करो, कुछ अच्छा करो, आगे बढ़ने से आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। वह जो खुरदुरा पत्थर था, वह काफ़ी खुश हुआ उसकी बातें सुनकर। दोस्तों, संघर्ष में इतनी ताकत होती है, इंसान को बदल के रख देती है, इसलिए ज़िंदगी में संघर्ष करना मत छोड़िए, प्रयास बंद मत करिए। कई बार आपको लगेगा कि आपके प्रयत्नों का फल आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप अपना प्रयास बंद मत करिए, निरंतर अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए, ज़िंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार मेहनत और संघर्ष करते रहिए। अगर आप भी यही मेहनत हमेशा करते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, सफल होने से रोक सके। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी।